हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सब मस्त होंगे। बड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद आज इस स्टूडियो से हम ये वीडियो बना पा रहे हैं और इस स्टूडियो का पहला ही वीडियो बड़े ही धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Redmi 10 Prime स्मार्टफोन के बारे में। स्मार्टफोन हमारे हाथ में आ चुका है, आज हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, क्विक इम्प्रेशन, फर्स्ट इम्प्रेशन इसका कैसा होता है और मेरे अकॉर्डिंग आपको क्या ये स्मार्टफोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या ये 12-12.5 हज़ार रुपये की रेंज के अंदर एक अच्छा स्मार्टफोन साबित होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हरिंदर बड़ी आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एलग्रो TKF में। तो चलिए नज़र डालते हैं इस Redmi 10 Prime के अंदर, हमें क्या कुछ प्राइम देखने को मिल पाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बॉक्स कंटेंट के बारे में। अनबॉक्स मैंने इसे कर लिया, इसके लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, लेकिन अनबॉक्स करने में सिर्फ डब्बा खोलने जितना फ़र्क है। वो यदि आप चाहें तो मैं आपको यहाँ पर दोबारा से खोल के दिखा देता हूँ, इतना ही करना होता है अनबॉक्स करने के लिए। तो ये जो है इसके ऊपर, जैसा कि बॉक्स के ऊपर आप देख पाएंगे, इसके अंदर यहाँ पे Redmi 10 Prime यहाँ पे लिखा हुआ है, इंडियाज नंबर वन स्मार्टफोन ब्रांड, मेड इन इंडिया इसके ऊपर लिखा हुआ है। और यदि बात करें MRP की तो इसके ऊपर 14,999 रुपये MRP लिखी गई है, लेकिन ये 12,500 रुपये के अंदर ईजिली अवेलेबल है, ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट दोनों के अंदर ईजिली अवेलेबल हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बॉक्स कंटेंट के अंदर। तो इसके अंदर हमें ये एक इसका सिलिकॉन केस मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का इस बार Redmi ने जो हमें केस दिया है, जैसा कि नोट 9 सीरीज़ के साथ में हमें जो केस देखने को मिल पाता था वैसा नहीं, काफ़ी अच्छा केस यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा यदि बात करें हम यहाँ पर, तो ये हमें यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंटेशन इसके साथ में मिल जाते हैं, साथ ही में ये जो है सिम इंजेक्टेड टूल यहाँ पे हमें देखने को मिल पाता है, और सिर्फ एक डब्बा हमें इसके अलावा देखने को मिल पाता है। बात करते हैं डिवाइस के बारे में, ये डिवाइस यहाँ पे है, काफ़ी खूबसूरत सी डिवाइस है। थोड़ा सा देखने के अंदर आपको थोड़ा मोटा ये लगने वाला है, लेकिन यदि आपने Redmi 9 सीरीज़ के डिवाइस यूज़ किए हैं तो आपको इतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आपको उनके सेम साइज लगेगा। वेट के बारे में यदि बात करें तो इसके अंदर जो है हमें 195 ग्राम के अराउंड इसका जो वेट है वो देखने को मिल पाता है। यहाँ पे हमें जो है, यदि बात करें इस डिवाइस के बारे में फिजिकल ओवरव्यू के बारे में, तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो एक 3.5 mm ऑडियो जैक यहाँ पे हमें देखने को मिल पाता है, स्टीरियो स्पीकर यहाँ पे हमें देखने को मिल पाता है, और इंफ्रारेड ब्लास्टर यहाँ पे देखने को मिल पाता है। यहाँ पे क्वाड रियर कैमरा सेटअप, और पीछे कोई ब्रांडिंग नहीं दी गई, सिर्फ यहाँ पे छोटी सी रेडमी की ब्रांडिंग हमें यहाँ पे देखने को मिल पाती है। नीचे की साइड में बात करें तो ये हमें जो है माइक्रोफोन यहाँ पे देखने को मिल पाता है, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट के साथ में डिवाइस आता है, और स्टीरियो स्पीकर यहाँ पे भी दिया गया, स्पीकर ग्रिल, और ये यहाँ पे हमें जो ट्रिपल सिम कार्ड ट्रे यहाँ पे देखने को मिल पाते हैं, यानी दो सिम कार्ड ट्रे, एक मेमोरी कार्ड हम इजीली लगा सकते हैं। इसके दो वेरिएंट अवेलेबल हैं, 6 GB रैम, 128 GB स्टोरेज, और 4 GB रैम, 64 GB स्टोरेज वेरियंट अवेलेबल है। आज जो हमारे पास वेरियंट है वो है 4 GB 64 GB स्टोरेज वेरिएंट हमारे पास जो है अवेलेबल है। इसके अंदर यदि बात करें हमें, तो यहाँ पे क्वाड रियर कैमरा सेटअप हमें देखने को मिल पाता है, जिसके अंदर 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा लेंस यहाँ पे हमें देखने को मिल पाएगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ, और 2 मेगापिक्सल का जो है माइक्रो कैमरा शूटर इस स्मार्टफोन के अंदर हमें देखने को मिल पाएगा। वहीं पे यदि बात करें इसके फ्रंट कैमरा की, तो 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा हमें यहाँ पे देखने को मिल पाता है, 6000 mAh की बैटरी हमें यहाँ पे देखने को मिल पाती है, LPDDR4X रैम के साथ में आता है, हीलियो G88 प्रोसेसर हमें देखने को मिल पाता है, और 90Hz रिफ्रेश रेट की फुल HD रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले हमें यहाँ पे देखने को मिल पाती है, HD+ डिस्प्ले हमें देखने को मिल पाती है, जो कि 90Hz अडेप्टिव रिफ्रेश रेट के साथ में आती है, 180Hz की टच सैम्पलिंग रेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल पाती है। डिस्प्ले ओवरऑल काफ़ी अच्छा डिस्प्ले हमें यहाँ पे देखने को मिल पाएगा, कैमरा यूनिट भी एवरेज है, लेकिन जो इसका फ्रंट कैमरा है वो सिर्फ 8 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो मतलब कि आप कंसिडर कर सकते हैं कि 12,500 रुपये के अंदर अच्छा ऑप्शन है। लेकिन एक कैमरा सेंट्रिक फ़ोन नहीं है, जिसके अंदर कि आपको बोल दिया गया होगा 64 मेगापिक्सल या 108 मेगापिक्सल का कैमरा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन 6000 mAh की बैटरी यहाँ पे हमें देखने को मिल पाती है, जो कि 9 वोल्ट की रिवर्स चार्जिंग के साथ में आती है, और 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को ये स्मार्टफोन सपोर्ट करता है। यहाँ पर ये जो इसके साथ में हमें Type-C to Type-A जो है केबल हमें यहाँ पे देखने को मिल पाती है, USB केबल, जिसकी लेंथ जो है अप्रोक्स 1 मीटर के अराउंड यहाँ पे दी गई है, और ये जो हमें 22.5 वोल्ट का जो है चार्जर हमें बॉक्स के अंदर ही देखने को मिल पाता है, लेकिन फ़ोन सपोर्ट करता है सिर्फ 18 वोल्ट की चार्जिंग को।
इसके अलावा स्मार्टफोन के बारे में यदि बात करें तो ओवरऑल अच्छा खासा स्मार्टफोन हमें यहाँ पे देखने को मिल पाता है, सारी चीज़ें ही अच्छी हैं। इसके अंदर हमें वी रैम का ऑप्शन भी यहाँ पे देखने को मिल पाता है। यदि आप चाहें आप 64 GB स्टोरेज वेरिएंट वाला यदि स्मार्टफोन आप यूज़ कर रहे हैं तो इसकी जो रैम है वो आप 1 GB तक एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन यदि आप 128 GB स्टोरेज वेरिएंट का स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो उसकी रैम जो है 2 GB तक आप जो है एक्सटेंड कर पाएंगे। लेकिन वहीं पे यदि बात करूँ इसके स्टोरेज टाइप की तो इसके अंदर हमें EMC स्टोरेज 5.1 स्टोरेज हमें देखने को मिल पाता है, डुअल बैंड वाईफाई हमें यहाँ पे देखने को मिल पाएगा और साथ ही में वाईफाई 6 का सपोर्ट भी है, इंफ्रारेड ब्लास्टर हमें देखने को मिल पाता है यदि हम हमारी होम अप्लायंस को यदि कंट्रोल करना चाहते हैं डिवाइस के साथ में। वहीं पर यदि इसके बारे में बात करूँ तो एक चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, MIUI 12.5 के ऊपर ये बेस्ड है और 5.1 जो हमें बॉक्स के अंदर मिलता है और 5.2 जो है फर्स्ट अपडेट के बाद में हमें मिल जाता है, फर्स्ट अपडेट इसका मिल चुका। तो 12.5.2 जो है MIUI के ऊपर ये डिवाइस जो है रन करने वाला है। वहीं पे यदि इस डिवाइस के बारे में थोड़ा सा और डीपली यदि हम बात करें तो सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन इसके अंदर जो है थोड़ा सा हमें चार्ज होने के अंदर 1.5 से 2 घंटा लगने वाला है। बैटरी ठीक ठाक है आपका, 1.5-2 दिन आराम से यदि आप फुल्ली यूजेस करते हैं तो भी चला देगी। और यदि आप इसे के अंदर 4G सिम, जैसा कि अभी 5G नहीं है स्मार्टफोन, 4G यूज़ करने वाले हैं, लेकिन इसके अंदर जैसे ही आप सिम कार्ड यूज़ करेंगे तो आपको वहाँ पर 4G प्लस का आपको यहाँ पर देखने को मिल पाएगा। नेटवर्क कवरेज भी काफ़ी अच्छा ये प्रोवाइड कराता है। कुल मिला के ऑन एन एवरेज आप इस डिवाइस को 12,500 रुपये की रेंज के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। अब तक के लिए तो ये डिवाइस मेरे ख्याल से सबसे अच्छा है। यदि आपको ओप्पो वीवो के साथ नहीं जाना है, वहाँ पे भी यदि आप जाएंगे तो इस प्राइस रेंज के अंदर आपको ऐसा डिवाइस नहीं मिलने वाला है। वैसे ये कोई पेड वीडियो नहीं है, मेरे को इस डिवाइस के लिए 12,500 रुपये खर्च करके ये डिवाइस खरीदना पड़ा है, तब मैं आपके लिए वीडियो बना पा रहा हूँ। इसके साथ ही मैं आपके जो इसके कैमरा सैंपल हैं वो आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ और इसके अंदर थोड़ी सी मेरे को जो कमी लगी वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप इसका वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो वीडियो के अंदर आपको यहाँ पे बैक कैमरा से यदि आप रिकॉर्ड करते हैं तो 720 पिक्सल 30 फ्रेम पर सेकेंड और 1080 पिक्सल जो 30 फ्रेम पर सेकेंड पे ही आप वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। 60 फ्रेम पर सेकेंड या फिर 4K का आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं देखने को मिल पाता। वहीं पे यदि आप फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो भी आप जो है सेम रेजोल्यूशन के अंदर वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। लेकिन हाँ, कैमरा सैम्पलिंग मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूँ तो कैमरा सैम्पल अच्छा खासा ही है, कुछ इतना बुरा नहीं है, लेकिन आप जो है इसे कैमरा सेंट्रिक फ़ोन कंसीडर नहीं कर सकते। वहीं पे बात करें तो इसके अंदर जो हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिल पाता है, फेस अनलॉक देखने को मिल पाता है, तकरीबन सारे सेंसर हमें यहाँ पे देखने को मिल पाते हैं। बैक की यदि बात करें तो प्लास्टिक बैक हमें यहाँ पे देखने को मिल पाता है प्लास्टिक फ्रेम के साथ में। फ्रंट के अंदर हमें कोल्डिंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिल पाती है, लेकिन कौन से ग्लास की प्रोटेक्शन मिल पाती है अभी तक Xiaomi ने नहीं बताया, लेकिन हम मान सकते हैं कि कोल्डिंग गोरिल्ला ग्लास 3 के आसपास की प्रोटेक्शन हमें जो है इस डिवाइस के अंदर देखने को मिलने वाली है। और मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस की बात करें काफ़ी अच्छा, चिन थोड़ा सा बड़ा है, बाकी सारी चीज़ें जो हैं साइड बेजल अपर बेजल जो काफ़ी लो दी गई हैं। और ये जो डिवाइस है ये सेंटर पंच होल कटआउट के साथ में आता है, तो डिवाइस ओवरऑल इस प्राइस रेंज के अंदर आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। एक इसके अंदर हमें जो है नोटिफिकेशन लाइट जो है इस डिवाइस के अंदर हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिल पाती, और मैं आपको कैमरा सैंपल इसका जो है वो शेयर कर देता हूँ। एक सेल्फी भी मैं मेरी ले लेता हूँ, फिर बाद में अपन गाना गा सकते हैं। सेल्फी मैंने ले लिया, सेल्फी कैमरा ठीक है, लेकिन वही है ये पोस्ट प्रोसेसिंग का ही नतीजा यहाँ पे हमें देखने को मिलने वाला है। बाकी इस डिवाइस के बारे में आपका क्या कहना है मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। ये डिवाइस मेरे को तो 12,500 रुपये की रेंज के अंदर ठीक ठाक लगा, वैसे मैंने ये मेरे पर्सनल यूज़ के लिए लिया है तो सोचा कि आपके साथ रिव्यू भी मैं थोड़ा सा कर दूं। कैमरा जो माउंट है वो इसका यदि कैमरा यूनिट की आप बात करें तो थोड़ा सा बड़ा दिया गया है। वैसे रेडमी नोट 9 सीरीज़ का कैमरा माउंट कैमरा जो कटआउट था वो भी काफ़ी बड़ा था, लेकिन ये उससे भी थोड़ा सा बड़ा ही दिया गया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और यदि आप कोई नया स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन जरूर मिल पाएगी होगी। और आप यदि 12,500 रुपये की रेंज के अंदर जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली स्मार्टफोन के साथ में जा सकते हैं। फिलहाल सिर्फ 5G के नाम पे इंडिया के अंदर स्मार्टफोन मत खरीदिएगा, ये मैं आपको सलाह देता हूँ। इस वीडियो में इतना ही, कल मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।